हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर सरकार। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सूर्यास्त के बाद के बारे में, जिनसे आपकी मनोकामना पूरी होगी। भक्तों, जीवन में आ रही परेशानी और समस्याएं व्यक्ति का सुख चैन छीन लेती है। संकटों से बचाने के लिए हनुमान जी की शरण में जाकर उसे संकट मुक्ति की गुहार लगाने से, सच्चे मन से पूजा आदि करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ खास उपायों के बारे में बताया गया है। इन उपायों को सूर्यास्त के बाद करने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहती। आइए जानते हैं सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। भक्तों, सूर्यास्त के बाद कर ले यह जादुई चमत्कारी उपाय। शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी की पूजा का सही समय सूर्यास्त के बाद ही होता है। सूर्यास्त के बाद की गई हनुमान जी की पूजा और उपाय का विशेष फल मिलता है। साथ ही हनुमान जी की पूजा करते समय इन बात का ध्यान रखने कि उनकी पूजा उत्तर या पूर्वी दिशा की ओर मुंह करके करनी चाहिए। भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दुख कष्टों से मुक्ति के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के द्वार नामक स्मरण करने से लाभ होता है। भक्तों, सूर्यास्त के बाद 5 देसी घी की रोटी पर गुड़ आदि रखकर हनुमान जी को भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान जी के समक्ष अपनी मनोकामना बोलने से विशेष लाभ होता है। इन रोटी को बाद में गाय या किसी जरूरतमंद को दे दे। भक्तों, मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से है। इसे मजबूत बनाने के लिए इस दिन कई उपाय बताए गए हैं। इस दिन फिटकड़ी का उपाय करने से व्यक्ति को बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। भक्तों, मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद लौंग के 108 दानों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर दे और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करें। इससे विशेष लाभ होगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। भक्तों, छात्र मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पेन अर्पित कर दे। इससे छात्रों को परीक्षा में जरूर सफलता मिलेगी। भक्तों, शादीशुदा जिंदगी में प्यार बनाए रखने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वज अर्पित करने से लाभ होता है। भक्तों, हनुमान जी को तुलसी का पत्ता अर्पित करने से भी लाभ होता है। इन दिन सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाए, वहाँ हनुमान जी की आगे घी का दीपक जलाए और 2 लौंग दीपक में डाल दे। इसके बाद हनुमान जी के समक्ष अपनी मनोकामना रखे और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। भक्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय बजरंगबली लिखें।